Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. मेरा आज का lecture number है 37 और इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग chapter number 16 sport and movement के बारे में बात कर रहे हैं. और आजकल जो हम लोग topic study कर रहे हैं, that is about the sport and movement in animals. So हम लोग ये देख रहे हैं कि animals के अंदर ऐसे कौन से specialized organs और organ system present हैं जो कि उनको support provide करते हैं, उनको protection provide करते हैं, उनको movement में help करते हैं. सो वी आर स्टडिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, जो कि तकरीबन हर मुख्तलिफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सो स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने स्टडी किया कि देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने बात की है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की. सबसे पहले हम लोगों ने जब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखा तो हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से उसको समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. तो हमने देखा कि वो स्केलेटन है जो कि नाइडेरियंस के अंदर, एनालिट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास है सी एनीमून और अर्थवर्म की एग्जांपल, कि इनकी बॉडीज़ के अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है दैट बिकम्स फिल्ड अप विद द फ्लूइड सी एनीमून की, और आफ्टर फिलिंग इट अप विद द फ्लूइड द सी एनीमून क्लोजेज इट्स माउथ और अपने सर्कुलर जो उसके ऊपर मसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है. उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपराइट हो जाता है, वो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है. इसी तरह से अर्थवर्म है कि उसके अंदर भी उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं वो फ्लूइड फिल्ड हैं, और उन कंपार्टमेंट्स के ऊपर जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनकी वजह से वो जो अर्थवर्म है वो मूव करता है. अब जो हम लोग बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट द एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन एक ऐसा टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम है जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है. ये हार्ड होता है, इम्परमीएबल टू वाटर है, बैरियर को बैरियर देता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इंटरनल मसल्स के साथ अटैच होता है. ये किस तरह से बॉडी के ऊपर रिलीज होता है? इट इज़ रिलीज ड्यू बाय द एक्टोडर्म, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल, और ये इंटरनल मसल्स के साथ अटैच होता है और डेड सेल से मिलकर बना होता है, इनर्ट है, यानी कि ये किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो हम लोग देख रहे थे अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन, जिसमें हम लोगों ने मोलस्का के अंदर देखी कि मोलस्का के अंदर भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, एज वेल एज उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है. और जैसे जैसे मोलस्का ग्रो करता है उसका स्केलेटल भी सिस्टम, उसका स्केलेटन भी ग्रो करता है और उसके ऊपर रिंग्स के तौर पर वाजिया हो जाती है उसके ऊपर ये उसकी ग्रोथ. इसी तरह से स्नेल्स हैं, स्नेल्स के ऊपर भी एक्सोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेरीन स्नेल्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन लैंड स्नेल के एक्सोस्केलेटन से डिफरेंट होता है. फर्दर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं अबाउट द एक्सोस्केलेटन. तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन के हमारे पास, दैट इज़ द आर्थ्रोपोड्स. तो आर्थ्रोपोड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. सो लेट अस स्टडी अबाउट something about the exoskeleton that is present in the arthropods. So जो arthropods हैं they have made a variety of adaptations जो कि उनको allow करती है ताकि वो live कर सकें, रह सकें और grow कर सकें within their exoskeleton. क्योंकि exoskeleton एक layer है dead cells की, तो ये animals किस तरह से अपने आप को adapt करते हैं कि वो इन dead cells को अपने use में ला सकें और उनकी उसकी मदद से अपने आप को protection भी provide कर सकें और अपने lifestyle को इस तरह से बना सकें कि ये exoskeleton उनकी life में hindrance के तौर पे present ना हो. सो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो सबसे सक्सेसफुल ये जो ग्रुप है जो कि एक्सोस्केलेटन के साथ वेल अडाप्टेड है, दैट इज़ ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स दे हैव मेड अ वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस जो कि उनको अलाउ करता है कि वो लिव रह सकें, ग्रो कर सकें एक्सोस्केलेटन के साथ साथ. जो इन्वेजिनेशन है एक्सोस्केलेटन की वो बनाती है फॉर्म रिजेस और बार्स फॉर मसल अटैचमेंट. तो इन्वेजिनेशन है यानी कि इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ा होता है. इसके अंदर की तरफ मुड़ने से क्या होता है कि जो इंटरनल मसल्स हैं वो जो है कम्प्लीटली अटैच हो सकें इन रिजेस एंड बार्स के साथ, ताकि ये मजबूती से इनकी बॉडी के साथ एक्सोस्केलेटन अटैच हो सके. ये पहली अडेप्टेशन है कि इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ताकि जो इनके इंटरनल मसल्स हैं वो प्रॉपरली और स्ट्रॉन्गली अटैच हो सकें इस एक्सोस्केलेटन के साथ. इसके कोर अडॉप्टेशन क्या है कि इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स.
एक्सोस्केलेटन के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उनके अंदर जॉइंट्स भी प्रेजेंट हैं ताकि बॉडी प्रॉपरली मूव कर सके, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं जो मूव नहीं हो सकते, सो जॉइंट्स की मदद से जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जो एक्सोस्केलेटन है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल एट जॉइंट, यानी कि जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होगा इस हिस्से में जो एक्सोस्केलेटन है वो थिन भी होगा, सॉफ्ट भी होगा ताकि इजीली बेंड हो सके, फ्लेक्सिबल होगा ताकि ऑर्गेनिज्म जो आर्थ्रोपोड है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके जॉइंट्स के ऊपर। सो कॉन्सिक्वेंटली जो जॉइंट्स हैं दे मूव वेरी इजीली, तो आर्थ्रोपोड्स के लिए मूवमेंट एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी जॉइंट्स जो हैं वो एक्सोस्केलेटन के अंदर ऐसे स्पेशल जॉइंट्स हैं जिसकी मदद से वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जो इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या हैं कि इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें सेंसिला का नाम दिया जाता है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स, एंड लेंसेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन जो कि गैशियस एक्सचेंज को हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं, आर्थ्रोपोड्स की ये बात हो रही है कि इनके अंदर मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इनको हेल्प करती हैं कि ये सर्वाइव कर सके अपने आर्थ्रोपोड्स के अपने एक्सोस्केलेटन के साथ। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्थ्रोपोड के अंदर मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी मदद से वो अपने एक्सोस्केलेटन को मॉडिफाई किया हुआ है उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, और ये वेल अडेप्टेड ग्रुप है जो कि एक्सोस्केलेटन के साथ सर्वाइव करता है। इनके अंदर इन्वेजिनेशन है एक्सोस्केलेटन की ताकि जो इंटरनल मसल्स हैं वो एक्सोस्केलेटन के साथ फॉर्मली अटैच हो सकें। इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, जॉइंट के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है वो बहुत थिन होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है ताकि एनिमल जो आर्थ्रोपोड है एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली मूव कर सके। इसी तरह से एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गेन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स जिन्हें सेंसिला का नाम दिया गया है जो ब्रिसल्स की सूरत में होते हैं, और इसी तरह लेंसेज हैं जो कि मॉडिफिकेशन है एक्सोस्केलेटन की ताकि गैशियस एक्सचेंज इजीली हो सके। जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल को उसके एनिमिस के खिलाफ, वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल को फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंट, और इसी तरह से ये एनिमल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो तब उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को निकलने नहीं देता एक्सोस्केलेटन, उनकी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखता है एक्सोस्केलेटन ताकि वो ड्राई अप ना हो जाए, वो मर ना जाए वाटर की शॉर्टेज की वजह से। हाउएवर इसके एक डिसएडवांटेज क्या है कि एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर, कि जब तक उसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है एनिमल का साइज इंक्रीज नहीं होता, ये मेजर डिसएडवांटेज है एक्सोस्केलेटन का। लेकिन इन एनिमल्स ने उसके लिए भी अपने आप को अडॉप्ट कर दिया है कि वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सोस्केलेटन शेड कर देते हैं यानी कि गिरा देते हैं पीरियोडिकली, टाइम वाइज वो उसको पीरियोडिकली शेड ऑफ कर देते हैं। शेड ऑफ करने की वजह से क्या होता है कि उनका साइज थोड़ा ग्रो होगा और वो अपने एक्सोस्केलेटन को दोबारा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन तो उन्होंने शेड ऑफ कर दिया, अब दोबारा से उसको रिप्लेस करते हैं विद द लार्जर साइज। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम लोग एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग। तो हमारे पास क्या है, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक तो पीरियोडिक शेडिंग है एक्सोस्केलेटन की टू रिप्लेस इट, ताकि उसको रिप्लेस किया जाए विद लार्जर एक्सोस्केलेटन, ताकि उसको बड़े एक्सोस्केलेटन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ओल्ड एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है लार्जर साइज के एक्सोस्केलेटन से, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एक्डाइसिस का या फिर मोल्टिंग का। ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाकी एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। हमने पढ़ा था कि मोलस्का इनके अंदर जो उनका एक्सोस्केलेटन है वो उनके साथ साथ ग्रो करता है और उसके ऊपर रिंग्स बन जाते हैं, बट आर्थ्रोपोड्स के केस में वो एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर पाता तो वो उनकी ग्रोथ में हिंड्रेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से एनिमल्स इसके लिए भी अडाप्टेड हैं कि एनिमल अपने स्मॉलर जो प्रीवियस एक्सोस्केलेटन होगा उसको शेड ऑफ कर देंगे पीरियोडिकली, और उसके बदले में लेके आते हैं नया, उसको रिप्लेस करते हैं नए लार्जर एक्सोस्केलेटन से। एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस दौरान जो एनिमल है बहुत ज़्यादा वो हो जाता है नाजुक सूरत हाल में, वो इसलिए क्योंकि वो डेंजर में आ जाता है बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट प्रीडेटर्स दैट आर रोमिंग हेयर एंड देयर, वो अटैक किया जा सकता है इसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर सकते हैं, सो इट इज़ इन द वल्नरेबल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस और
माल्टिंग, बट ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है ताकि एनिमल प्रॉपरली ग्रो कर सके, अपने साइज को इंक्रीज कर सके। सो एग डाइसिस और मोल्टिंग के अगर हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं जो कि एग डाइसिस और मोल्टिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो देर आर फोर डिफरेंट स्टेजेस। जो पहला स्टेज है कि इंजाइम्स रिलीज होते हैं। इंजाइम्स कहाँ से रिलीज होंगे? इंजाइम्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्ट करते हैं ओल्ड एंडोक्यूटिकल को, पुराने एक्सोस्केलेटन के एंडोक्यूटिकल को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। इस डाइजेशन की वजह से जो हाइपोडर्मिस है और जो एक्सोस्केलेटन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान में जो सेल्स थे वो अब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोडर्मल ग्लैंड, ये जो इंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं पुराने एक्सोस्केलेटन को और स्पेशली भी एंडोक्यूटिकल को, जिसकी वजह से जो हाइपोडर्मिस है और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है ये स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म्ड, ये स्प्लिट ओपन हो जाता है, ओपन होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है इन एंजाइम्स की वजह से जो कि इस एक्सोस्केलेटन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो डाइजेशन होती है एंडोक्यूटिकल की, उसके बाद सिक्रीशन होता है, उसके बाद सिक्रीट किया जाता है न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल जो पुराना था उसको डाइजेस्ट करने के बाद अब जब ये एक्सोस्केलेटन स्प्लिट ओपन हो गया है, उसके अंदर पोर्स बन गए हैं, तो यहाँ पे दोबारा से अब क्या रिलीज़ करना शुरू हो जाएगा एनिमल अपनी बॉडी के ऊपर? न्यू प्रोक्यूटिकल और न्यू एपिक्यूटिकल को दोबारा से रिलीज़ करेगा, जो बिगर इन साइज़ होगा, और दोबारा से अब ये नए एक्सोस्केलेटन को बनाने में काम आते हैं। सो फाइनली जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिक्रीट होगा तो वो सॉफ्ट होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसके अंदर डिपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो दोबारा से हार्डेंड हो जाएगा। सो जो हमारे पास लास्ट इसका स्टेज क्या है? हार्डनिंग बाय डिपोजिशन, कि उसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे क्रिस्टल जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि स्ट्रॉन्ग, जो कि हार्डनेस देते हैं पूरे के पूरे एक्सोस्केलेटन को। सो ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, जब ये पूरा हार्डनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो आर्थ्रोपोड्स हैं दैट इज़ वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स एंड इट रिमेन्स हिडन, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खतरे में होता है, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन, उसका जो आउटर शेल है, उसकी आउटर कवरिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, वो टूट रही है, तो उस वक्त जो आर्थ्रोपोड है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रीडेटर्स अटैक कर सकते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए वो हिडन पोजिशन में रहता है। ये जो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं ये दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम इन द एनिमल, और उसके अंदर एक स्पेशल हार्मोन है एक्डाइसोन, जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, यानी कि जब ग्रोथ का टाइम शुरू हो जाता है तो एक्टाइसोन रिलीज़ होता है। एक्टाइसोन रिलीज होने की वजह से एक हार्मोन है एक्डाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल। तो ये था प्रोसेस एक्सोस्केलेटन का। एक्सोस्केलेटन क्या है? ये हार्डर आउटर कवरिंग है जो कि पूरे एनिमल को प्रोटेक्ट करती है और उसके इंटरनल मसल्स के साथ अटैच होती है। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में स्टडी किया अबाउट द आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर किस तरह से एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और एक्टाइसिस के प्रोसेस को हम लोगों ने स्टडी किया है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है विथ स्पेशल अडेप्टेशंस, जिसके अंदर जॉइंट्स के वजह से मूवमेंट होती है, उसके अलावा वो इनको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, वाटर परमिएबल नहीं है, वाटर इम्परमिएबल है, उसके अलावा इसके अंदर वो इन्वेजिनेशन है एक्सोस्केलेटन की, और साथ साथ इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि मज़ीद मॉडिफाई करते हैं इस एक्सोस्केलेटन को। उसके अलावा हम लोगों ने एक्डाइसिस और मोल्टिंग के बारे में बात की है कि किस तरह से ओल्ड एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करके न्यू एक्सोस्केलेटन जो कि बिगर इन साइज होता है उसको रिलीज़ किया जाता है, और पूरा जो एनिमल है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट होता है। तो हमने एक डाइसिस और मोल्टिंग के प्रोसेस को फोर स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेज क्या है कि एंजाइम रिलीज होता है हाइपोडर्मल ग्लैंड से, जो कि ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट ओपन हो जाता है और पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बनने की वजह से पुराने एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन की वजह से अब शुरू हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। ये पहले सॉफ्ट फॉर्म में है, फिर इनकी हार्डनिंग किस तरह से होती है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन हो जाती है, वो हार्डन फॉर्म में आ जाते हैं।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द एक्सोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड, जिनके अंदर किस तरह से स्पेशल मॉडिफिकेशन है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।